यस प्रिय छात्रों, कल हमने अध्याय 12 में 12.3 से पहले जो उदाहरण है पहला वो करवाया था। आज हम उदाहरण नंबर 3 ले रहे हैं, दूसरा आप इजीली कर सकते हैं, तो जो थोड़े कठिन है वही उदाहरण में ले रहा हूं। उदाहरण नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, क्या कह रहा है? एक चतुर्भुज एबीसीडी में, एक चतुर्भुज है अपना एबीसीडी, जिसमें एबी बराबर एसी बराबर एडी हो तो सिद्ध कीजिए कि बीएडी बराबर 2BDC प्लस CBD। तो एक चतुर्भुज दे रखा है अपन को, चतुर्भुज है ABCD, जिसमें क्या दिया है अपन को कि ये ABCD, तो इसमें दिया है अपन को कि AB बराबर AC और बराबर AD। जब ये तीनों बराबर हैं तो तीन असंरेखीय बिंदुओं से एक वृत्त गुजर सकता है जिसका केंद्र क्या होगा, A होगा। तो पहले अपन वृत्त बनाएं तो चित्र अच्छा बनेगा। ये आप समझ रहे हैं कि तीनों दूरियां बराबर हैं तो निश्चित रूप से ये एक वृत्त की परिधि पर असंरेखीय बिंदु हैं तो एक वृत्त की परिधि पर होंगी। ये केंद्र हो गया A, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। ये तीनों दूरियां आपस में हमको बराबर दे रखी, तो दिया है क्या दिया है आपको कि AB बराबर AC बराबर AD, अर्थात बिंदु BCD बिंदु A से समान दूरी पर है, अर्थात बिंदु B, C व D बिंदु A से समान दूरी पर हैं, समान दूरी पर हैं, अतः वृत्त का केंद्र A होगा। अतः वृत्त का केंद्र A है, ये हमको दे रखा है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? वो क्या कह रहा है कि कोण BAD, कोण BAD, ये जो पूरा कोण है एंगल BAD बराबर 2 कोण BDC, BDC प्लस कोण CBD, कोण CBD इसके दोनों कोणों के योग के दुगने के बराबर होगा। अब देखिए उपपत्ति, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कोण BAD कहां बना हुआ कोण है, केंद्र पर, और ये जो बाकी जो कोण बने हैं BDC और CBD ये कहां बने हुए हैं, परिधि पर। तो आपने फिर में 12.8 पढ़ी है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। तो देखें यहां पर कि चाप BC, चाप BC द्वारा केंद्र पर बना कोण, देखिए ये चाप है अपना BC, केंद्र पर क्या कोण बना है हमारा, कोण
बी ए सी तथा शेष परिधि के बिंदु डी पर बना कोण कोण बी डी सी है। तो प्रमेय 12.8 से क्या कहा है प्रमेय 12.8 ने कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो यहां अपन ने लिख दिया है कि केंद्र पर बना कोण क्या है बीएसी और परिधि पर बना कोण क्या है बीडीसी। तो इसलिए कोण बीएसी बराबर 2 कोण बीडीसी, ये हो गई हमारी फर्स्ट समीकरण। अब आगे देखिए आप, उधर चाप सीडी द्वारा केंद्र पर बना कोण सीएडी व शेष परिधि के बिंदु बी पर इसी चाप से इसका मुंह बंद हो रहा है। तो यहां पर चाप सीडी द्वारा केंद्र पर बना कोण कोण सीएडी व शेष परिधि के बिंदु बी पर बना कोण सीबीडी है। तो पुनः प्रमेय 12.8 से देखिए, प्रमेय का हेडिंग आपको याद रखने ही पड़ेंगे ताकि इन क्वेश्चनों को हल कर सकें। तो प्रमेय 12.8 को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण कोमा उसी चाप द्वारा शेष परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। तो केंद्र पर बना कोण क्या हो गया, कोण सीएडी बराबर 2 कोण सीबीडी, बात नंबर यानी समीकरण सेकंड। तो देखें, हमें कोण बीडीसी और सीबीडी का योग चाहिए, तो फर्स्ट और सेकंड को यानी समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर जोड़िए, कोण बीएसी प्लस कोण सीएडी बराबर, यहां पर भी दो है, कोण बीडीसी प्लस 2 कोण सीबीडी। चित्र देखें, बीएसी और सीएडी दोनों को जोड़ें तो पूरा नाम क्या हो गया, कोण बीएडी या कोण बीएडी बराबर, दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए, कोण बीडीसी प्लस कोण सीबीडी, यही हमको सिद्ध करना था। ऐसे क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर में बोर्ड पेपर में आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों पर ध्यान दीजिए
थोड़ा सा। अब देखिए आप एग्जाम्पल नंबर, ये जो मोस्ट हैं वही मैं करवा रहा हूं आपको, तो एग्जाम्पल नंबर 4 ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए, मैं लिख देता हूं, सिद्ध कीजिए, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो लिखने पड़ते हैं, सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की एक समान भुजा को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त त्रिभुज की असमान भुजा को समद्विभाजित करता है यह आपका क्वेश्चन है सिद्ध करने के लिए। तो देखिए, एक हम समद्विबाहु त्रिभुज बनाएं और समान भुजाओं में से, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज ले लिया है, जिसकी दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये ए बी और ए सी। अब ए सी को व्यास माने हम, ए सी को तो केंद्र कहीं यहीं पर होगा, और हम एक वृत्त खींच दें, थोड़ा सा पहले वृत्त बना लूं मैं, तो यहां पर ये केंद्र हुआ, ये हमारा व्यास हो गया, दूसरी भुजा ये हो गई, ये असमान भुजा ए बी सी, जिसमें ये कहां काट रहा है, इसको डी पर। असमान भुजा कौन सी है, बी सी। तो अब हम इसको यहां से मिला दें, नहीं तो बाद में रचना कर लेंगे। दिया है, क्या दिया है आपको, एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी। देखिए, अब आपको ये व्यास है तो केंद्र यहीं पर होगा, अब आपको केवल इसको पढ़िए और दिया हुआ लिखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो दिया क्या है हमको, एक समद्विबाहु त्रिभुज। अब त्रिभुज हमने बनाया है तो उसका नामकरण किया है, क्या नामकरण किया है, ए बी सी, जिसकी एक समान भुजा। अब समान भुजा कौन कौन सी है, त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी बराबर ए सी, यानी ये दोनों भुजाएं समान है, ए बी और ए सी। ए सी को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा गया है, जो असमान भुजा
व्यास मानकर खींचा गया वृत्त त्रिभुज की असमान भुजा। अब असमान भुजा कौन सी हो गई, जो असमान भुजा कौन सी हो गई हमारी, बीसी को डी पर काटता है, डी पर काटता है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमको, असमान भुजा को समद्विभाजित करता है। तो असमान भुजा को वृत्त कहां काट रहा है, डी पर, तो डी पर बीसी के कितने टुकड़े किए हैं इसने, दो किए हैं, कौन कौन से, बी डी और डी सी। तो हमें सिद्ध करना है बी डी बराबर डी सी। अब रचना, रचना में क्या करना है हमें, एडी को मिला दिया अपन ने, एडी को मिलाया। अब आइए उपपत्ति पर, उपपत्ति देखिए, हमें बीडी बराबर डीसी करना है और दो त्रिभुज बन रहे हैं हमारे पास में, तो सबसे सस्ता सुलभ रास्ता क्या होगा हमारा, दोनों त्रिभुजों को क्या कर दें, सर्वांग सम। तो यहां देखें हमारे पास में ए बी और ए सी बराबर हैं, ए डी उभयनिष्ठ है। अब तीसरी बात हमारे पास में नहीं है, तो कैसे देखें कि इसमें एक बात कही गई है, वहां से कुछ निकलेगा कि एक समान भुजा को व्यास मानकर, ये व्यास किस उद्देश्य से खिंचवाया है उसने, कि ताकि ये जो कोण है हमारा एडीसी वो किस में बना कोण हो गया, अर्ध वृत्त में, जो आपको ऊपर में मैंने कराई है। तो यहां से अपन का सवाल, पहले अपन को ये दोनों कोण बराबर करने होंगे, चूंकि एसी वृत्त का व्यास है इसलिए कोण एडीसी बराबर 90 डिग्री, एडीसी बराबर 90 डिग्री अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है हमेशा 90 डिग्री का। अब देखें, परंतु कोण एडीबी प्लस कोण एडीसी बराबर 180 डिग्री क्यों, यहां पर आपको क्यों और कैसे के जवाब देने पड़ते हैं, अन्यथा आपका अंक कट जाता है। इन दोनों का योग 180 क्यों है, क्योंकि दोनों कैसे कोण हैं, रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म, क्योंकि बीसी एक सरल रेखा है। तो ए, इसलिए कोण एडीबी प्लस एडीसी का मान 90, तो ये हो गया 180 डिग्री, तो कोण एडीबी बराबर 180 माइनस 90 और बराबर 90 डिग्री। इसलिए अब देखिए एडीसी 90 और एडीबी 90, तो कोण एडीसी, एडीसी बराबर कोण ए डी बी, ये हमने सिद्ध कर लिया। अब एक चीज की हमको जरूरत थी त्रिभुजों को सर्वांग सम करने के लिए, अब त्रिभुज ले लीजिए, अब त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में ए बी बराबर ए सी क्यों दिया है, दो समान भुजा यानी समद्विबाहु त्रिभुज ए बी बराबर ए सी दिया है। और तीन बातें चाहिए अपन को, ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ भुजा है, कैसी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा, और कोण ए डी सी बराबर कोण ए डी बी बराबर 90 फर्स्ट से
हमने सिद्ध किया है। तीन बातें हो गई, तो कौन सा नियम लगा है? अब हम कह सकते हैं इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी। कौन सा नियम लगा है यहां पर? आर एच एस। आर एच एस सर्वांग समता से। अब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं, यानी सी पी सी टी से हम कह सकते हैं बी डी बराबर डी सी इति सिद्धम। तो ये आपका उदाहरण नंबर 4 था, जो बेहद ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब देखिए आगे उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 सिद्ध कीजिए कि दीर्घ वृत्तखंड का कोण, या दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण न्यून कोण होता है। न्यून कोण, न्यून कोण होता है, न्यून कोण होता है। देखिए दीर्घ वृत्तखंड, वृत्तखंड किससे बनते हैं? जीवा द्वारा, और त्रिज्या खंड त्रिज्याओं के द्वारा बनते हैं। तो यहां पर अपन सबसे पहले एक वृत्त खींचें, यह इसका केंद्र है, यह हमारी जीवा है कोई इस वृत्त की। तो इस जीवा ने इसके कितने खंड कर दिए? 1 और 2। आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ऊपर वाला खंड दीर्घ है, बड़ा है, और नीचे वाला खंड छोटा है। तो दीर्घ वृत्त खंड में बना कोण न्यून कोण होता है। तो यहां पर कहीं पर भी अपन ने एक बिंदु, ये ए बी जीवा हो गई, ये कोई सी बिंदु ले लिया, तो यदि ये कहां बन गया? दीर्घ वृत्त खंड का कोण हो गया है ए सी बी। तो दिया है क्या दिया है आपको? एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, और वृत्त खंड दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है। जीवा ए बी द्वारा 2 खंड हो गए इसके जीवा द्वारा, ए सी बी, ए सी बी कौन सा वृत्त खंड हुआ है? दीर्घ वृत्त खंड, या अपन यूं कहें दीर्घ वृत्त खंड ए सी बी है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? दीर्घ वृत्त खंड में बना कोण। तो कौन सा कोण बना है दीर्घ वृत्त खंड में? ए सी बी न्यून कोण होता है।
तो आप जानते हैं न्यून कोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री से छोटे कोणों को न्यून कोण कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को समकोण और 90 से बड़े कोण को अपन अधिक कोण कहते हैं। तो एसीबी छोटा होना चाहिए किससे, 90 से। अब रचना देखें, OA और OB को मिलाया, OA व OB को मिलाया, OA व OB को मिलाया, ये ढंग से बिल्कुल एक ही बिंदु से निकली हुई रेखाएं। अब उपपत्ति पे आइए आप, OA व OB को मिलाने से हमें क्या मिला है कि चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण मिल गया है और शेष परिधि पर बना कोण मिल गया है। अब चूंकि चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण, कोण AOB व शेष परिधि पर बना कोण, कोण ACB है, कोण ACB है। अब देखिए प्रमेय 12.8 से, प्रमेय 12.8 बार बार आप देख रहे हैं कि हर बार हमें किसकी मदद चाहिए, प्रमेय 12.8 की, कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण या अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। तो कोण AOB, कोण AOB कहां बना है, केंद्र पर, हमें चाहिए ACB, चलो लिख लें, बराबर दो कोण ACB या कोण ACB बराबर क्या हो गया, 1/2 कोण AOB। ये बात हमारी यानी समीकरण फर्स्ट हो गई। अब देखिए कोण AOB, हम त्रिभुज AOB में देखें तो कोण AOB किस त्रिभुज का कोण है, AOB का, परंतु कोण AOB बराबर छोटा होगा किससे, 180 डिग्री से। क्यों छोटा होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, तो प्रत्येक कोण 180 से छोटा होगा, क्योंकि कोण AOB एक त्रिभुज का कोण है और त्रिभुज का प्रत्येक कोण 180 से छोटा होता है। अब या दोनों तरफ 1/2 से गुणा कर दें हम, 1/2 कोण AOB लेस देन 1/2 गुणा 180 डिग्री, 1/2 कोण AOB लेस देन छोटा है किससे, 90 डिग्री से। ये हमारी सेकंड हो गई। अब फर्स्ट से 1/2 AOB किसके बराबर है,
एसीबी के फर्स्ट से सेकंड में